दोस्तों, जब भी हम कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं लंबा चौड़ा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है फास्ट टाइपिंग की। तो यहाँ पर यदि आप बोल करके टाइपिंग करेंगे तो वो बहुत ही फास्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बोल करके टाइपिंग करके दिखा दूंगा दोस्तों। और सिंपली आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको यहाँ पर स्पीक करके यानी कि बोल करके आप टाइपिंग करेंगे, बहुत ही आसानी से बहुत ही तेज़ी से टाइपिंग होगा दोस्तों। तो कोई भी यहाँ पर एरर नहीं देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक विंद्रावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर फास्ट टाइपिंग करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यह ऐप यहाँ पर गूगल की तरफ से मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर लिखना है आपको जी बोर्ड। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइप करना, और टाइप करने के बाद यहाँ पर ये ऑलरेडी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा। तो इसको यूज़ करने के बाद आप बोल करके बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। तो सिंपली चलिए इसको देखते हैं किस तरह से यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर सभी के फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं पता रहता। तो सिंपली आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर नोट्स में। तो कोई भी यहाँ पर मैसेज बॉक्स या फिर जहाँ भी आप टाइप करना चाहते हैं खोल लीजिए। हम लोग यहाँ पर नोट्स में टाइप करेंगे, तो यहाँ से अपना लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह जी बोर्ड है, भाषा सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और ऐड कीबोर्ड में आपको क्लिक करना है, और जिस भी भाषा में चाहते हैं यानी कि लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप यहां पर सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद यदि कोई लैंग्वेज नहीं मिला तो उसको आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो हमको यहां पर अभी हिंदी टाइप करना है, तो सिंपली हम लोग हिंदी पर अभी सेलेक्ट किए हुए हैं। और यहां पर आपको इस जो कि एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो कि इंटरनेट है, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमारा इंटरनेट ऑन है, तो आपका भी यहाँ पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए तभी यह काम करेगा। अदरवाइज़ यदि हम लोग यहाँ पर नेट बंद कर देते हैं तो आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ हमने यहाँ पर वीडियो में बताया वह चीज़ यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, तो कुछ इस तरह से आपको एग्जांपल के लिए मिल जाता है। हम लोग अपना यहाँ पर नेट को ऑन कर देते हैं, तो सिंपली अब चलिए हम लोग नेट को ऑन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर नेट ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर नेट हमने ऑन कर दिया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर टाइपिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग माइक का बटन ऑन कर लेंगे, और यहाँ जैसे ही हम लोग यहाँ पर माइक का बटन ऑन करते हैं, कुछ इस तरह से बहुत ही तेज़ी से बहुत ही आसानी से फास्ट टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जितना तेज़ी से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं उतना तेज़ी से यहाँ पर टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जितना चीज़ हमने यहाँ पर आपको बता रहे हैं और बोल करके समझा रहे हैं, यह सभी चीज़ इसमें टाइपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर यह एक्सटर्नल आईडी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर टाइपिंग कर रहे थे बोल के, तब इसका माइक का बटन जो कि आईडी था वह यहाँ पर हाइड हो गया था। हाइड होने का मतलब यहाँ पर म्यूट हो गया था, और जो भी हम लोग यहाँ पर बोल करके जो भी चीज़ इसमें बता रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ उसी में टाइप हो। आप जानते हैं जो भी चीज़ हमने यहाँ पर बोल के बताया हुआ तो टाइप तो हुआ, लेकिन उसका साउंड जो कि ओरिजिनल साउंड है वह रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर यह जो कि माइक है, माइक से हमने यहाँ पर बोल करके टाइप किया, और माइक को ऑन करने के बाद जो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साउंड होता है और माइक का साउंड होता है वह बंद हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। सो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर टाइपिंग हो जाएगा, तो इसको यूज़ करने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे किस तरह से आपको यहाँ पर बोल करके टाइपिंग करना है, और किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। सो इसी तरह से और नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।